नमस्कार, संवाद न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 2 सुरक्षा कर्मी घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी पर हमला किया है। बारामूला जिले के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट नाके पर किया गया अटैक, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए हैं तथा इसके अलावा 2 सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। आतंकियों ने सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी पर हमला किया है। शहीद होने वाले तीनों सीआरपीएफ जवान राजीव शर्मा, जो बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं, सीबी भाकरे, जो 38 साल के हैं, महाराष्ट्र के बल्दाना जिले के रहने वाले हैं, और सत्यपाल सिंह 28 साल के हैं, जो गुजरात के साबरकांठा जिले के रहने वाले हैं। वही घायल होने वाले 2 सुरक्षा कर्मी अहमद अमीन और विश्वजीत घोष, दोनों को गोली लगी है जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले शुक्रवार को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नेवा में सुरक्षा बलों पर हमला किया था और सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त कैंप को निशाना बनाया था। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं तथा 2 सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। आतंकियों ने सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी पर हमला किया है। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना। कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप।